सबसे पहले हम बना लेते हैं मटर मखनी का मसाला। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर उड़द दाल। थोड़ा सा इन्हें रोस्ट करेंगे हम। फिर दाल को रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा, और इसमें डालेंगे 3 से 4 चुटकी अजवाइन, 4 सूखी लाल मिर्च, और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसमें। तो अच्छे से धुआं उठने लग गया, दाल भी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। तो अब इसमें हम करीब डालते हैं 2 लौंग गरम गरम में ही, आधा ग्राम जावित्री डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, और 10 करीब काली मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको इसमें ही मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा कर लिया ठंडा। अब इसको करते हैं खाली मिक्सी के जार में। और इसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मसाला तैयार कर लिया है, और यहाँ पर पैन वापस चढ़ा दिया है। तो इस पैन में हम डालते हैं करीब 1 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होने के साथ ही इसमें डालेंगे करीब हम 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 बड़ी साइज की हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, और इनको एक बार हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है, और यहाँ डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। तो यहाँ टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद में हम कर देंगे गैस बंद, और इसे गरम गरम ही थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करते हैं इसको स्टर करके, और ये इसको डाल देते हैं हम मिक्सी के जार में। और इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट बना लिया हमने, इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हम डालते हैं करीब 2 टेबल स्पून तेल। यहाँ पर डालेंगे एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, प्याज को थोड़ा सा स्टर करके फ्राई कर लेंगे हम, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे 300 ग्राम मटर के दाने। तो मटर को इसमें एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। और गैस करेंगे लो फ्लेम पर। ये हम हल्दी 1/4 टीस्पून और 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हम एक्चुअली लाल मिर्च मसाले में डाल चुके हैं और हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ मिर्च कम ही लेंगे। और डालेंगे हम इसमें नमक, मैं डाल रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, और इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसे चलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे करीब आधा कप से पानी, इसमें आधा कप ये, और इसे मीडियम लो फ्लेम पर ढक के रखेंगे। पहले थोड़ा सा मिला लेते हैं मटर पकने तक, इसे रख देंगे हम ढककर। तो यहाँ पूरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं ढक के रखे हुए, एक बार बीच में मैंने चेक किया था। इसे मिलाते हैं और बॉयल अच्छे से मटर हो चुकी है, तो इसमें डालते हैं हम जो हमने पाउडर बनाया था। तो 1 टेबल स्पून वो पाउडर डाल देते हैं पहले, फिर हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर लहसुन और अदरक का वो ऐड कर देते हैं पूरा, और इसे हम हाई फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट लगातार चलाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अभी इसमें और भी काफ़ी टेस्टी करना इसे अभी बाकी रह गया है, तो बस इसे लगातार चलाएंगे हम थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। अब इस जगह आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, अगर आपको झोल वाली पसंद है तो। हम बनाने वाले हैं गाढ़ी ग्रेवी वाली, मतलब सूखी एकदम, तो इसे चलाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पे चला लिया है, और इसमें डालते हैं हम बारीक कटा हुआ धनिया 30 से 40 ग्राम, और गैस करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे कर लेते हैं धनिए को मिक्स, और इसको रख देते हैं हम
लो फ्लेम पर ढककर। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया तड़का पैन, इसमें डालेंगे करीब 100 ग्राम बटर, बटर को होने देंगे मेल्ट। अब मटर मखनी है तो बटर तो डलेगा ही, तो ये देखिए बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो 1 टेबल स्पून भरकर वापस इसमें जो मसाला बनाया था हमने वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें। पूरा डाल देते हैं और मस्त फ्लेवर आ जाएगा इससे। और इसे ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर ये सब्जी के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये। तो ये इसको करते हैं हम मिक्स। तो आया ना फ्रेंड्स मुंह में पानी। तो ये तैयार है हमारी बनकर मटर मखनी। इसे सिर्फ थोड़ा सा हमें क्या करना है, 1 मिनट ढक के रखना है, गैस करना है बंद और फिर इसे करेंगे सर्व। तो ये तैयार है गर्मा गर्म बनकर, मुँह में पानी आ गया मेरे तो। अब फटाफट खत्म करने वाले हैं तो सर्व कर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मटर मखनी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए, और घर पे एक बार जरूर बनाएं। मटर अभी सस्ती भी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाए उसे खाकर खत्म करते हैं तंदूरी रोटी के साथ।